हरियाणा सरकार से समझौते की अटकलों के बीच रोडवेज के हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन बढ़ता जा रहा है। हड़ताल के चलते यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के खजाने की सेहत पर भी बुरा असर हो रहा है। मंगलवार को सिरसा जिला कांग्रेस ने रोडवेज कर्मचारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में आगे हैं। आइए रोडवेज कर्मचारियों के हक में जरा ये कुछ बयान सुनते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने जो आज कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है रोडवेज कर्मचारियों के एक हफ्ता से, और पूरा हरियाणा उस बात को लेकर के परेशान है। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने उस हड़ताल को लेकर के समर्थन करते हुए और सरकार से मांग की है कि वो जल्द से जल्द कर्मचारियों की जायज मांगों को सुने और उनको मांग को पूरा करे और हरियाणा को निजात दिलाए। आज जब से ये हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरा हरियाणा का हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी हो, किसान हो, चाहे वो पराली को लेकर के किसान परेशान है, कोई सरकार हल नहीं निकालती। इसी तरीके से कर्मचारियों का भी कोई हल नहीं निकाल रही। आज उस सरकार का जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पुतला फूका गया है और पुतला फूक करके उसको जगाने का काम किया है कि आप जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करें। हम जो रोडवेज कर्मचारी, उनका सातवां दिन हो गया हड़ताल के हुए, और ये सरकार निकली सरकार तो जू नहीं रह रही। ये सरकार जब से बनी है, चाहे वो मोदी की हो चाहे वो खट्टर की हो, जब से ही जो गेस्ट टीचर लगे उनको उठाए, जो कंप्यूटर पर लगे उनको उठाए, जो इसमें जो अंजाम भी लगे थे इन्होंने उठाने शुरू कर दिए। उसी दिन से हड़ताल जल्द से जल्द शुरू हो गई सरकार के खिलाफ। और आज चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे ANM हो, चाहे आपका ये बिजली बोर्ड वाले हो, चाहे पब्लिक हेल्थ वाले हो, चाहे आपका वन विभाग फॉरेस्ट विभाग वाले हो, सारे कर्मचारी दुखी हैं। हर जनता रो रही है। तो रोडवेज के जो भी कर्मचारी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे साथी हैं, तो हम ये चाहते हैं भी इनकी जायज मांग है, इनकी जायज मांग को मानना चाहिए, इनकी हड़ताल खत्म करानी चाहिए। जनता आज परेशान है, रोडवेज में बसों के लिए सवारी फिर ये धक्के खाती हुई, तो इस सरकार का काम है जनता का सुविधा देना। लेकिन ये सरकार तो ऐसी निकम्मी सरकार है, जब से बनी है ना, कर्मचारी विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। आपकी क्या मांग है भाई? हमारी मांग है ये रोडवेज की कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, उनकी मांगे माने और हड़ताल को जल्दी से जल्दी बुलाए, कांग्रेस पार्टी अन्यथा आंदोलन करेगी। तो आजकल हरियाणा रोडवेज की हड़ताल चल रही है, इनका हम पूरा समर्थन करते हैं। और जो प्राइवेट बेड़े के लिए 720 बसों का सरकार ने आदेश दिया है, उसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं। यदि वक्त रहते इन्होंने 720 बसों का निर्णय वापस नहीं लिया तो हमारा रिटायर कर्मचारी संघ भी कहीं ना कहीं, ऐसा ना हो कि हम रोडवेज के समर्थन में भी लंबा प्रदर्शन करें और जहां तक हो सकेगा हम भी इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठने को भी तैयार हो जाएंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि भी हमारी जो स्टेट के अंदर खाली पद पड़े हुए हैं, सरकार युवाओं को रोजगार दे, और उसके अलावा जितने भी मतलब साथी हमारे बुजुर्ग हैं उनको 5,000 रुपये मासिक पेंशन दे, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, ताकि जो किसान भी लगातार पिछले कई सालों से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी मतलब कुछ संतुष्टि हो। स्टेट में सम्मेलन में हमारे मुख्य वक्ता RC जग्गा होंगे, और इसके अलावा राज्य के हमारे श्री सत्यपाल सवाच हैं, अध्यापक संघ से रिटायर्ड हैं, और जर्नैल सिंह जी सांगवान हैं। उसके अलावा जो हमारी मांग मानी हुई मांग है 65-70-75 के ऊपर 5%, 10% और 15% और 20% देने की मांग मानी हुई है, वो मांग लागू नहीं की गई है। इसके विरोध में भी हमारी ये रैली होने जा रही है और हम मतलब इसके लिए खूब अपनी ओर से पूरा का पूरा रैली में सरकार को दिखा देंगे कि हमारे में कितनी ताकत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको पहुंच सके।